कई दिन से इस बात को लेकर भी सरगर्मी तेज है कि बिहार के एनडीए में सब ठीक नहीं चल रहा है और ये किस वजह से? चिराग पासवान। दरअसल चिराग पासवान इस चर्चा को हवा भी दे रहे हैं। सोशल मीडिया से जो तस्वीरें मिल रही हैं उससे लग ऐसा रहा है कि मोदी के हनुमान सियासी तूफान लाने की तैयारी में। चिराग पासवान बिहार की सियासी जमीन से दूर क्यों दिख रहे हैं? लोकसभा चुनाव के लिए ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे मोदी के हनुमान अचानक अदृश्य क्यों हो चुके हैं? षड्यंत्र रचा गया, पहले षड्यंत्र रचा गया कि चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। चिराग पासवान पिछले 15 दिनों से बिहार की सियासत में सक्रिय नहीं है और इसी वजह से ये सस्पेंस गहराता जा रहा है। चिराग क्या करने वाले हैं? फिलहाल सियासी अटकलबाजियों के बीच 10 मार्च को वैशाली लोकसभा क्षेत्र के साहिबगंज में चिराग पासवान रैली करने जा रहे हैं। इसका वीडियो और सोशल मीडिया पोस्टर उन्होंने एक्स पर साझा किया है। खास बात यह है कि इस रैली के लिए जो पोस्टर सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे हैं उसमें ना तो पीएम की तस्वीर है और ना ही सीएम की। शुद्ध रूप से कार्यक्रम चिराग पासवान और उनकी पार्टी का है। मतलब आप लगाते रहिए। 21 फरवरी को चिराग आखिरी बार सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान जमुई में दिखे थे। उसके बाद से वो सोशल मीडिया पर ही कभी कभार दिख रहे हैं। इस बीच उनकी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से कुछ ऐसे ट्वीट शेयर किए गए हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि चिराग के मन में कुछ तो चल रहा है। ये पहला पोस्टर है जिस पर लिखा है विश्वास का सवेरा, तस्वीर चिराग पासवान की है। दूसरा पोस्टर जिस पर लिखा है हाँ मैं हूँ बिहारियों का चिराग। तीसरा पोस्टर जिस पर लिखा है गरीबों को न्याय दिलाने वाला चिराग। सोशल मीडिया के इन पोस्टरों के बीच अचानक एक और तस्वीर बिहार एलजेपी के एक्स हैंडल पर शेयर की गई है। इस कार्यक्रम में एलजेपी से जुड़ी महिलाएं शामिल हैं और पीछे जो बैनर लगा है उस पर महिला संकल्प दिवस समारोह लिखा गया है। इसमें भी बैनर पर सिर्फ एलजेपी के नेताओं की ही तस्वीर है। एक और तस्वीर देखिए, इसमें एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी वैशाली के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर मीटिंग कर रहे हैं और इस मीटिंग के लिए पीछे लगे बैनर पर सिर्फ एलजेपी नेताओं की तस्वीर है। इन तमाम तस्वीरों का एक मतलब तो ये है कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी इस वक्त जो चुनावी तैयारी कर रही हैं उसमें वो सिर्फ अपने दम पर तैयारी कर रही हैं। कहीं से भी किसी पोस्टर पर एनडीए या बीजेपी के साथ होने का संकेत नहीं दिख रहा है। वैसे भी चिराग औरंगाबाद और बेगूसराय में पीएम की रैली से दूरी बनाकर सस्पेंस बढ़ा चुके हैं, तो सवाल ये है कि क्या चिराग वाकई पलटने का मन बना चुके हैं? वैसे भी कल तेजस्वी ने ऑफर दे ही दिया है। हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ है वही है, जिनको आना होगा वो ना बताएंगे। वैसे सूत्र बताते हैं कि अंदर खाने सीट बंटवारे को लेकर जो चर्चा हुई है शायद उससे चिराग पासवान खुश नहीं हैं और इसी वजह से उन्होंने दबाव की राजनीति शुरू की है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।